हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। अपने आपके चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इधर आ गए हम रसोई में, और वीडियो हमारी ज़्यादातर रसोई से ही स्टार्ट होती है। तो दोस्तों, इधर हम बनाने जा रहे हैं पत्ता गोभी और आलू की सब्ज़ी, मतलब बंद गोभी जो आती है हमारे यहाँ, पत्ता गोभी बोलते हैं, तो पत्ता गोभी बोलने की मेरी आदत पड़ गई है, तो वही सब्जी बनाने जा रहे हैं। इधर मैंने कढ़ाई रख दी है, तेल गरम हो गया, इसमें मैंने प्याज डाल दिया है, और इधर सब्जी धुल लेते हैं। और आज मैंने बाल धुले हैं, तो अभी बाल मेरे गीले हैं, तो बालों से पानी टपक रहा था, इसीलिए मैंने दुपट्टा बांध लिया है, क्योंकि सर्दी का मौसम है। गर्मी हो तो दिक्कत नहीं, मुझे तो वैसे भी सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, और सर्दी में तबीयत भी मेरी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, तो इसीलिए मैंने बालों में दुपट्टा बांध लिया है। और तब तक हमारे बाल जो है पानी सूख जाएगा, तो अभी जाएंगे थोड़ी देर के लिए छत पे बैठेंगे, सब्जी छौंकते हैं उसके बाद में। और अन सिबा गए हैं स्कूल, सुबह मैंने बना दिए थे पराठे और आलू की सब्जी सिबा के लिए बना दी थी, और अन्नू तो स्कूल नहीं गए हैं, कल भी नहीं गए थे, इनका कुछ काम है करने को स्कूल का, पता नहीं क्या फाइल वगैरह बनाने को हो, वही बना रहे हैं ये, कल से बना रहे हैं, और आज भी बनाने को अभी बाकी है, तो वही बैठ बैठे बना रहे हैं। तो अभी ये सब्जी मैं बना ली हूँ दोपहर के लिए, अभी के लिए, और शाम के लिए हो जाएगी दोनों टाइम को। तो सूखी सब्जी, पहले तो मैं मेथी बनाने के लिए जा रही थी, अन्नू मेथी लेके आए थे कल, तो मेथी मैंने पन्नी से बाहर निकाल के रख दी, फिर भी मेथी ख़राब हो गई है, तो इसीलिए सब्जी मैंने पत्ता गोभी रखी थी उसी की बनाई है। और दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 10:30 बजे का लगभग टाइम है, तो खाना बना ले, उसके बाद कपड़े डालेंगे छत पर, कपड़े सूखने के लिए, कपड़े सूखने डालो तो छत पे बैठना पड़ता है बंदरों की वजह से, तो मैंने सोचा पहले खाना बना के रख दें, और उसके बाद में काम वाम करके सब बिल्कुल फुर्सत में बैठेंगे, तो टेंशन नहीं रहेगी, तो 1 घंटा खंड बैठे रहेंगे तो कपड़े हमारे सूख जाएंगे, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ है, हवा भी चल रही है। तो इधर साथ के साथ बर्तन ही जो 1-2 होते हैं वो धुल के रख देते हैं, तो बर्तन कम होते हैं हमारे। सब्जी छौंक दही, आटा मार लें, रोटी बना लें, उसके बाद कपड़ा डाल के बैठे जा छत तब कल की तरह। फिर ठंड लग रही, नहीं तो छत पर जा रहे, तब तक धीरे धीरे सब्जी बन जाए, चाय बना लें थोड़ी अपने के लिए। तो दोस्तों, इधर बनाने लग गए हैं पराठे, और सूखी सब्जी बनाई है, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा पराठे ही बना लेते हैं। वैसे रोटी भुजिया, मेथी की भुजिया खाने का मन था, अनु से मंगाई भी थी, पर वो ख़राब हो गई, पता नहीं ये रात को लेके आए थे, सुबह इनको बोलो दिन में सब्जी लेके कभी नहीं आते हैं अनु, सब्जी की दिन में बोलते रहो, पर जाएंगे शाम को ही रात को लाएंगे, तो सब्जी वाले बनाते ऐसी उल्टी सीधी सब्जी ऐसी पन्नी में भर देते हैं। और यूपी में पता ही आप सबको काली पन्नी ही मिलती है, सब्जी वगैरह लेने जाओ, कुछ सामान लेने जाओ तो काली पन्नी चलती है, और तो उसमें पता भी नहीं लगता है कैसी सब्जी रखी है कैसी नहीं, भर देते हैं रात को, बच्चे जाते हैं तो बच्चों को देख कर तो और ज़्यादा वो नहीं, अपने मतलब जैसी सब्जी खराब हो तो पैसे भर देते हैं, फिर बाद में वापस करने जाओ तो वापस भी नहीं करेंगे, तो इसीलिए फिर मैंने पत्ता गोभी रखी थी आधी, कल बनाई थी आधी रखी थी, वही सब्जी मैंने बना ली। तो इधर पराठे सेंक रहे हैं जल्दी फटाफट से, के छत पे बैठे हैं, मैंने कपड़े डाले हैं सूखने के लिए, तो भैया बंदरन की वजह से कपड़ा छत पे डाल रहा हूँ, पर बैठन पत्ते बंदरन के मारे बहुत बंदर परेशान करते हैं, अब इधर ही खों खों कर रहे हैं, जो डंडा लेके बैठे हैं हम, बहुत ज़्यादा बंदर परेशान करते हैं। थोड़ी देर के लिए कपड़ा डाल रहा हूँ, तो खा के बैठो तब कपड़ा सूखता है, धूप तो तेज है, सूख गया है थोड़े बहुत, रहिए 1/2 घंटा यू कपड़ा डाले, जो हल्के हल्के थे कपड़ा, पतरे पतरे कपड़ा, हल्के हल्के बहुत सूख गए हैं, और जींस विंस ना सूखी हैं अभी सिवा की,
पैंट सूख जाए और 1 घंटा बैठे रहे बस टाइम सूख जाए। काम हम सब यो खाना पीना खाए लो बर्तन तन धुल के सब काम करके फ्री हो गए जब बैठे आए ऊपर कपड़ा डाल के छत पे। बाल मेरे भी बाल गीले थे बाल भी मेरे सूख गए। पौधा लगे इधर जी वाले मेरा पौधा बहुत अच्छा हुई हुई है। एक बार बंदर ने तोड़ दो तो पर लेकिन अब दोबारा से अरे आएगा बहुत अच्छा। इसमें पीले फूल आए हैं तो बंदर रखत ना है पौधा वौधा कछु बहुत परेशान करता है। उधर मेरे कपड़ा पड़े मैं देखो कपड़ा सूख रहे उधर उधर शटरिंग लग रही है किसी को अब लेंटर पर है इधर हमारे पड़ोस में तो शटरिंग लग रही है। अभी 1-2 दिन में लेंटर पर अनवाल हुआ शटरिंग लग रही बस लग आई है थोड़ी बहुत और रहेगी लगान के ला 2-4 दिन में लेंटर पर ही है। मकान अब नई कॉलोनी है मकान अब सब बन ही रहे हैं। इधर इतने इतने कपड़े आज ज़्यादा कपड़े नहीं थे तो रहे कपड़े थे धुलने के लिए ज़्यादा नहीं थे। मेरे बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है हम जा रहे गोली खाने से बात अब हमने मंगाई एक टेबलेट। मेरे इतनी तेज सर में दर्द हो लो बहुत तेज मेरी चाहे एक केवल नस दर्द करो करते हाँ पर ये वाली ये जो नस है ना मेरी इतनी दर्द करती है फिर धीरे 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 यहाँ से ऐसे ये वाली नस दर्द करेगी पीछे तक। सिवा से जब से स्कूल से आए सिवा आज स्कूल से आएगी जल्दी इनकी सर की माता जी का देहांत हो गया आज तो छुट्टी हो गई बहुत जल्दी। तो जब से आए सिवा जब से कह रहे सिवा एक टेबलेट लाए दे सिवा टेबलेट लाए दे सिवा ना सुनिए मेरे तेज सिर में दर्द होने लगा जब मैं सिवा सुनी वाली मंगाई टेबलेट ये खाए लें बहुत तेज ना बहुत ज़्यादा होने लगे फिर बर्दाश्त भी ना हो फिर उल्टी भी चालू हुई जाए। अब थोड़ी देर आराम करें 1 घंटा अनु अपना प्रोडक्ट बनाए रहे कुछ बनाए रहे हैं बनाए रहे प्रोजेक्ट हैं जो देखो अबे थोड़ा सा बनेगा वो अनु प्रोजेक्ट अबे कुछ रहेगा बनाने के लिए ये देखो पता नहीं कहाँ 1000 रुपए ले जा चुके हैं